हेलो, आपका IoT सब्जेक्ट में जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो आपका है इंस्टॉलेशन ऑफ आर्डिनो IDE। आर्डिनो के बारे में मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ। आर्डिनो एक आपका माइक्रो कंट्रोलर किट है जिससे आप कोई भी ऑटोमेशन वर्क या कोई भी आपका स्मॉल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो उस आर्डिनो किट को कोई भी प्रोग्राम उसमें कंपाइल करने के लिए आपको आर्डिनो IDE की नीड होती है, उसमें ही आप पूरा प्रोग्राम राइट करते हो। तो आर्डिनो IDE आप अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है तो हम इस पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपके सिस्टम में जो भी आपका ब्राउज़र है आप उसे ओपन कर लीजिएगा, पहला स्टेप ये रहेगा। जैसे ही ओपन होता है तो उसमें आप होम पेज पे जाके arduino.cc, इसका वेबसाइट है आर्डिनो का, आप इस पर जाएंगे और जैसे ही ये पेज ओपन होता है तो ये आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिटी, ब्लॉग अबाउट। तो आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर में जाएंगे और सॉफ्टवेयर पे जैसे आपने कर्सर लेके जाएंगे तो दो कॉलम खुलेंगे, एक आर्डिनो क्रिएट और दूसरा डाउनलोड्स। तो आप जाएंगे डाउनलोड्स पर, तो आप डाउनलोड्स पर जाकर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं आर्डिनो के वो सब निकल के आएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा ये आर्डिनो IDE 1.8.13 लेटेस्ट वर्जन है इसका, तो हमें डाउनलोड करना है। तो अब डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम में कौन सा विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, आपका विंडो 7 है या विंडो 8.1 या 10 है, लिनक्स 32 बिट्स है, लिनक्स 64 बिट्स, लिनक्स ARM 32 बिट्स, लिनक्स ARM 64 बिट्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10.10 या फिर न्यूअर है ना। तो अब जैसे कि मेरा ये सिस्टम है इसमें मेरा विंडो 10 है, तो मैं विंडो 10 पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो विंडो 10 पे क्लिक करने के बाद ही क्या होगा कि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। लगभग ये 1.5 GB, 130-140 KB के आसपास, MB के आसपास इसका साइज है। और आप विंडो 7 है तो विंडो 7 में क्या होगा कि आप पहले आप इसको डाउनलोड करेंगे, जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा फिर इस पर आप जहाँ फाइल सेव होगी वहाँ से आप इंस्टॉल कर लोगे। तो मैं आपको विंडो ऐप का दिखाता हूँ इसका। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो जैसे वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका सेकंड पेज ये खुलेगा। इसमें आप आर्डिनो को सपोर्ट करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन आपको करना है आप कर सकते हैं, जैसे नहीं करना तो जस्ट डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, जस्ट डाउनलोड, ठीक है। तो आपका ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा और प्रोसेसिंग शुरू होने के जस्ट बाद थोड़ी देर बाद आपके मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना, कि इंस्टॉल हो गया है। और जैसे कि मेरा सिस्टम पहले से इंस्टॉल्ड है मैं उसको ओपन कर देता हूँ, तो उसके बाद ही आपका आर्डिनो आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो विंडो 10 में जैसे मैंने बताया था आपके पास ये ऑप्शन आएगा, और अगर विंडो 7 होता तो ये आपका डायरेक्ट आपका ये फाइल पूरी डाउनलोड हो जाती और नीचे यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग का शो होता रहता, स्टेटस कितना डाउनलोड हो गया है। तो जिसमें जैसे कि हमारा ये आर्डिनो IDE मुझे इंस्टॉल करना है तो ये मुझे गेट पे क्लिक करना होगा। ये मेरा ये आपका फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में लेके जाएगा और वहाँ से इसको ये डाउनलोड करेगा, ठीक है ना। और आपको थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक शो हो जाएगा कि इंस्टॉल हो गया है। तो इसको मैं कर लेता हूँ इधर ना, तो ये आपका इंस्टॉल हो चुका है मेरा इस सिस्टम में। अब मैं यहाँ पर इसको लॉन्च कर दूँगा जस्ट, ठीक है। तो जैसे लॉन्च करेंगे तो आर्डिनो IDE आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा समय लेता है ये, लेकिन जब पहली बार ओपन होता है तो थोड़ा सा काफ़ी समय ले लेता है, तो इसमें थोड़ा वेट करना होता है। इस तरह का ये अपना ओपनिंग शुरू हो गई है इसमें। तो ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पर ये फाइल्स ओपन ऑप्शन है, ऊपर में आपको वो फाइल्स ओपन कर सकते हो, न्यू फाइल्स बना सकते हो। कुछ इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ प्रोग्राम्स इसमें इनबिल्ट हैं पहले से ही लाइब्रेरी में। तो ये आर्डिनो की पूरी लाइब्रेरी यहाँ पे है। और फिर उसके बाद एडिटिंग, सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, जैसे ही आप इसको पहली बार इंस्टॉल करोगे और आर्डिनो से कनेक्ट करोगे तो ये पोर्ट आपका इनेबल हो जाएगा, इस पोर्ट को आपको इनेबल करना होगा, तभी उसके बाद आपका ये प्रोग्राम कोई भी कंपाइल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आर्डिनो IDE आपका इंस्टॉल हो जाएगा और इस पर आप कोई प्रोग्राम रन करा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये पहला पेटिंग कम्प्लीट, थैंक यू।